नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। दो गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। बाकायदा न्यूज 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां बेहद ही दर्द भरी ये कहानी सामने आई, जहां अस्पताल में वार्ड बॉय की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। शिवपुरी के कोरोना अस्पताल में मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन परिजनों ने आरोप यह लगाया कि मरीज को लगाई गई ऑक्सीजन मशीन को हटा दिया गया और इसी वजह से उस मरीज की मौत हो गई। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दिखा कि अस्पताल का एक कर्मचारी मरीज के बेड के पास गया और लगी हुई ऑक्सीजन मशीन निकालकर अपने साथ ले गया। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की तरफ से मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था जी। दो तीन दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी, जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई, तो उनको तड़पते रहे वो सुबह। उनका फ़ोन आया मेरे पास सुबह, फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में और 30 बेड की आईसीयू है, जहां हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है, जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है, बाकी हमारी अभी जो है 7-8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। शिकायत की गई है और अब जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है, लेकिन मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। देश भर में कमोबेश इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। रवि सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, अभिषेक पांडे मुंबई में मौजूद हैं, और ये सबसे अहम बात कि क्या ये एक लापरवाही भी एक बड़ी वजह है? मनोज, शिवपुरी में जो घटना हुई है, क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है इस पर? तो होगी, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। क्यों, परिजनों का, उसके बेटे का जिस तरह से आरोप है, अब CMHO कह रहे हैं कि हमने जांच के लिए कमेटी बना दी है, 48 घंटे में यानी 2 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन लापरवाही एक सरकारी अस्पताल की जो इंतहा है, वो उसके अंदर देखिए आप, जो तस्वीर में CCTV में दिख रहा है कि जो अस्पताल का स्टाफ है, वार्ड बॉय है, वो कोरोना वार्ड में उसके ऊपर वो कोई PPE किट नहीं पहने हुए है, सिर्फ एक मास्क लगाकर वो अपना सारा काम कर रहा है। और CCTV फुटेज के आधार पर ही परिवार को पता चला कि आपने जो ऑक्सीजन सपोर्ट था वो अलग किया, जिसकी वजह से उनके पिता की मौत हुई। फिलहाल सारे मामले की जांच के लिए कहा गया है, लेकिन प्रशांत आप एकदम सच कह रहे हैं कि कमोबेश हर जगह पर यही हालात हैं। मरीजों की संख्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले जो बेड हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और इसी तरह की मारामारी है, इसी तरह की मरीजों को तकलीफ है जी। और लगातार कुछ और घटनाएं भी सामने आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कोरोना मरीजों के शव को कचरा गाड़ी में डालकर शमशान तक पहुंचाया गया है। बताया गया है कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद उनके शवों को कचरा ढोने वाली गाड़ी से शमशान घाट तक पहुंचाया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की अमानवीय घटना और ज्यादा शर्मसार करती है। मनोज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अब ये राजनांदगांव की ये घटना है, जहां ये तो अमानवीय हरकत है सीधे सीधे, जहां अब इस तरह से कचरा गाड़ी में डालकर शवों को ले जाया जा रहा है, कोई ठोस बातें कही गई है, सफाई दी गई है, कार्रवाई की बात कही जा रही है? यहां फिर जांच की बात की गई कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोविड से जो भी पेशेंट हैं, जिनको कोविड के पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना
उनको अस्पताल ले जाना है, उनको कोई जो कुछ भी करना है उसके लिए बाकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है प्रशांत, सरकार की तरफ से तय की गई है कि उसके लिए सरकार की एम्बुलेंस है, सरकार की तरफ से नंबर दिया गया है, अगर किसी की मौत होती है तो उसको सीधा अस्पताल से आपको किस तरह से शमशान घाट ले जाना है, सारी चीज़ें तय हैं। लेकिन उसके बाद ये शर्मनाक वाकये बयां कर रहे हैं कि सिस्टम में कितना लचर है, सारा तंत्र किस हद तक लचर है, यहाँ तक कि मानवीयता भी भूल गया है। और ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि अब व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, खबर है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर सकते हैं। बेहद अहम बैठक इस वक्त LG के साथ चल रही है, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक होगी और माना जा रहा है कि कोरोना ने दिल्ली में जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है अब उसकी रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठा सकती है केजरीवाल सरकार, और इसके लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और अब एक सख्त कदम उठाने की भी घोषणा इसमें हो सकती है। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जो बैठक हो रही है क्या उसी पर चर्चा चल रही है कि मामले बढ़ रहे हैं और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है, औपचारिक घोषणा कुछ ही देर में हो भी सकती है? लॉकडाउन लगाने के बाद हालांकि एक्सपर्ट्स की जो मेरी जानकारी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कई कुछ राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन या हम जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे, हम साफ आवाज आपकी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैसला हो सकता है केजरीवाल सरकार का। कोरोना के मामलों ने दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार जब एक बार फिर कोरोना की लहर देखी गई है, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक चौथी लहर है दिल्ली में, ऐसे में मामले एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय दिल्ली में 50,000 से भी ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये कि 17,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, और इसीलिए भी अब सख्त कदम उठाने की ओर कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है केजरीवाल सरकार। रवि, क्या महज औपचारिकता बाकी, सख्त कदम उठाने का मन बना चुकी है केजरीवाल सरकार दिल्ली में? नौबत इस तरीके से आ चुकी है, क्योंकि देखिए सिर्फ ये दिल्ली का मामला नहीं है, देश के कई राज्य हैं, महाराष्ट्र में भी देखा कि नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू ऐसी बातें हुई, लेकिन दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, तो राजधानी में भी, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। पिछली बार भी देखा, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद ही स्थिति कंट्रोल में आई थी, काबू में आई थी, और वही स्थिति इस बार तो यह है कि पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा मामले आए हैं, दिल्ली में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार हर पहलुओं की तरफ गौर कर रही है, लेकिन इसमें यह भी देखने वाली बात है कि लोगों की जो रोजमर्रा की लाइफ है उनकी जेब पर असर ना पड़े, आर्थिक गतिविधियां ना चरमराए, वो भी उस तरफ भी गौर करने कर रही है सरकार, क्योंकि अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो तमाम लोगों को आर्थिक गतिविधियां जो है वो चरमरा जाएंगी, दिक्कतें होंगी लोगों को, यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू जो पहले से ही घोषणा हुई है, वीकेंड कर्फ्यू की भी बात चल रही है, क्योंकि उस दिन ज्यादातर जो दफ्तर बंद होते हैं, बिल्कुल तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और कोरोना का वायरस एक दूसरे से संक्रमित लोग ना हो। लगता यही है कि दिल्ली के CM की कोशिश भी यही है कि अब संतुलन बनाया जाए कि लॉकडाउन की नौबत भी ना आए और मामलों को रोका भी जाए, लेकिन महाराष्ट्र में तो अब रोजाना रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है ये कोरोना, 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस एक बार फिर सामने आए हैं, लोग नियमों का पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सरकार की सख्ती और नियमों के पालन की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र की अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोलापुर, भिवंडी और मुंबई के दादर की ये तस्वीरें, सब्जी मंडी में तो लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, आलम ये मानो जैसे यहां मेला लगा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू जबकि लगा दिया गया है, बाजारों में भारी भीड़ इसके बावजूद देखी जा रही है, बड़ी ही बेफिक्री से लोग सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सही तरह से मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा था, बाजार में भारी भीड़ उमड़ी है, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और माना यह जा रहा है कि यह लापरवाही भी कोरोना मामलों को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभा रही है।
अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या लोगों की ये एक लापरवाही, महाराष्ट्र सरकार मान रही है कि बड़ा रोल है इसका, कोरोना के मामले जो देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आए? बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ये मानती है कि लोगों की जो लापरवाही है, जो गाइडलाइन थी वो फॉलो नहीं किए हैं, इसको लेकर के महाराष्ट्र में कल देर शाम से कर्फ्यू लगाया गया है। और उसको लेकर के ये देखिए, पुलिस कर्मी अलग अलग जगहों पर इस तरीके से बैरिकेडिंग करके चेकिंग कर रहे हैं। ये सिद्धि विनायक के बाहर की तस्वीर है, एक तरफ मंदिर पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है, यहाँ पर फिलहाल आवाजाही बंद हो गई है, मंदिर में दर्शनार्थी बंद हो गए हैं और पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। दूसरी तरफ लोग देखिए किस तरीके से सड़कों पर आते दिखाई दे रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनको रोका गया है, वो भी आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उससे अंदाजा लगाइए कि ये सारे लोग जब सड़कों पर हैं तब सरकार की जो गाइडलाइन है या सरकार के जो कर्फ्यू है उसका कितना असर होता दिखाई पड़ रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें ये है। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों से है। फिलहाल आज पहला दिन है, सरकार की कोशिश है कि लोग अपने घरों पर रहें और इसके लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाने के साथ साथ राहत भी दी है, बावजूद इसके लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी भीड़ इसी तरफ इशारा कर रही है कि उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा जिसकी जरूरत है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दहिसर चेक पोस्ट पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिखाई दे रहा है। खबर है कि दहिसर चेक पोस्ट पर बैरिकेड लगा करके शहर में आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कर्फ्यू लागू होने के बाद से सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इसमें छूट दी जा रही है। पुलिस जिन जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही इजाजत दे रहे हैं, और इसी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर किस तरह से गाड़ी की लंबी कतार देखी जा रही है ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, जिस तरह की लंबी कतार देखी जा रही है, क्या लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि भारी भीड़ भी बड़ी वजह है और इसीलिए अब लापरवाही से उन्हें खुद बचना होगा? देखिए प्रसाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब कर्फ्यू का ऐलान किया था उस वक्त लोगों से अपील ये की थी कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, यानी जब तक काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आज जो तस्वीर मुंबई थाने बॉर्डर पर देखने को मिली है वो तस्वीर अभी भी है। देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, और ट्रैफिक इसलिए क्योंकि जो नियम पालन कराने की जिम्मेदारी है वो मुंबई पुलिस पर है, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस सुबह से ही नियमों का पालन यहां पर करवाती नजर आ रही है। मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाता हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं जहां पर पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभी भी तैनात है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो कम से कम बाहर सड़कों पर निकलें, और यही वजह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है इस वक्त भी, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि कर्फ्यू के पहले दिन इतनी जबरदस्त भीड़ सुबह से देखने को मिली है, ये यही बताती है कि जब तक लोग नहीं समझेंगे, ब्रेक चेन जो नाम दिया है महाराष्ट्र सरकार ने वो नहीं टूटेगी, जो कोरोना की श्रृंखला है वो नहीं टूटेगी, और जब वो नहीं टूटेगी तो संक्रमण का खतरा लगातार बना रहेगा। तो ये तस्वीर देखिए कि जिस तरह की आज तस्वीर देखने को मिली है, उसके बाद मुंबई पुलिस ने यहाँ सड़क पर अब पांडाल बांधना शुरू कर दिया। पांडाल बांधने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुंबई पुलिस यहाँ पर अब कोई ढील देने वाली नहीं है। जो लोग मुंबई पुलिस जो भी मुंबई में प्रवेश करने के लिए पालघर और थाने के इलाकों से आएंगे वहाँ पर इन्हें चेकिंग से का सामना करना पड़ेगा। अगर विदाउट रीजन वो बाहर निकले हुए पाए जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो ढील बिल्कुल नहीं देंगे, एक एक गाड़ियों की चेकिंग होगी और उसके बाद जो लोग भी घूमते हुए पाए जाएंगे कड़ी कार्रवाई प्रशांत उनके खिलाफ की जाएगी। कड़ा कदम भी उठाया गया है दिवाकर, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे महाराष्ट्र में और आज पहला दिन है, लेकिन असर कई और जगहों पर, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से हो रही मौतों पर वहां के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब वो बड़वानी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में कोरोना के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों पर एक बेतुका सा बयान दिया है। डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
मनोज, क्या मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उम्र हो जाती है तो जान चली जाती है, लेकिन ये तो कोरोना का मसला है, क्या यहाँ पर एक संवेदनहीनता के साथ दिया गया बयान है ये? आती तो मरना ही पड़ता है, पूरी आपदा है। सवाल लगातार मंत्री जी से बार बार यही पूछे जा रहे थे कि अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, तो इन सब सवालों के जवाब मंत्री जी ने का एक ही है, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है, पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद मंत्री जी साथ में ये एक बेतुकी बात कहते हैं कि अब जब उम्र हो जाती है तो इंसान मरता ही है। और ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद स्थिति है, ऐसे में जबकि देश भर में अपील की जा रही है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, सख्ती बढ़ाएं। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं दरअसल मध्य प्रदेश के इस मंत्री जी का बयान, जिसे लेकर अब ना सिर्फ आश्चर्य दिखाया जा रहा है बल्कि ये बेहद हास्यास्पद भी है। डॉक्टरों को दिखाए, इलाज करवाए, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। मनोज, ये जो जिस तरह की दलील दे रहे हैं, क्या उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं है, वो कोरोना से अनजान है, क्या वो इस तरह का संदेश पहुंचा पाए हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच? जो प्रशांत, देखिए बात कहां हो रही है इन मंत्री से, महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश का सेंधवा, खंडवा, खरगोन, ये सारे महाराष्ट्र से लगे हुए इलाके हैं, और वहीं से मध्य प्रदेश में शुरू में यही सरकार जिसके ये मंत्री हैं कह रही थी कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना आया वो महाराष्ट्र के रास्ते आया। अब इन्हीं मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है कि इलाज के अभाव में जो मरीज हैं उनकी मौतें हो रही हैं, तो मंत्री जी का जवाब सुनिए कि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, सरकार पूरे इंतजाम कर रही है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, सब कुछ है, और जहाँ तक मरने की बात है तो उम्र हो जाती तो इंसान मरता ही है, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, कांग्रेस ऐसे मुद्दा बनाएगी, और अगर देखना अब ये होगा प्रशांत, बड़ी बात ये होगी कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी जो संगठन है, क्या वो मंत्री को इस बात को लेकर फटकार लगाता है, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर अपने एक मंत्री को फटकार लगाते हैं? क्योंकि ये ऐसा मौका है जब बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है इस पूरी व्यवस्था में, और देश में कोरोना के मामले अब रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 2,00,000 के पार जा चुके हैं, अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,038 लोगों की मौत तक हो चुकी है, और इसीलिए अब और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की इस लहर में अब एक के बाद एक लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है कोरोना का, आखिर सरकार क्या वजह इसके पीछे की मान रही है? देखिए, वजह तो लगातार सरकार गिनवा ही रही है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, क्योंकि पिछले साल देखा कि 97,000 एक दिन में, 24 घंटे में 97,000 मामले सामने आए थे, वो सबसे बड़ा तब का आंकड़ा था उस साल का, पिछले साल का। लेकिन आज इस बार पिछले करीब लगभग एक महीना से ये देखा गया है कि कोरोना के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और आज सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 2,00,000 से ज्यादा केस आए हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौत की संख्या भी बढ़ रही है और कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं 24 घंटे में रोजाना जो आते हैं। सरकार बार बार यही कह रही है कि लोगों के मन में कोरोना का जो खौफ था पिछले साल, क्योंकि नई बीमारी थी तो लोगों के मन में एक खौफ था, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क, सैनिटाइजर, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही टीकाकरण की शुरुआत हुई, लोगों को लगा कि अब टीका आ गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए भी ये लापरवाही देखी गई है और ये मामले इतने बड़े हैं, और लगातार कुछ ऐसे मुद्दे न्यूज 18 उठाता भी रहा, और न्यूज 18 इंडिया की एक ऐसी ही खबर का बड़ा असर हुआ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 70 बेड और बढ़ा दिए गए हैं। एक दिन पहले ही न्यूज 18 की खबर भी थी कि अस्पतालों में बेड की कमी है, इसी वजह से एम्बुलेंस की कतार भी लगी। मुख्यमंत्री से हमने इस पर सवाल भी किए, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों का इलाज एम्बुलेंस में ही करना पड़ा, और इसके बाद सिविल अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी गई। जो लोग एम्बुलेंस में भर्ती होने का इंतजार कर रहे थे उन्हें अस्पताल में बेड मिल गया है।
जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई है और अब क्या ताजा स्थिति है, किस तरह का बदलाव और राहत लोग महसूस कर रहे हैं? राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब इस तरीके की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि बेड बढ़ाया जा रहा है। आज हाईकोर्ट में भी उसी बात पे अभी हियरिंग भी चल रही है। साथ ही में जहां सिविल हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि अब इस तरीके की बाहर कतारें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मरीज वहां डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और जितने जो मरीज आएंगे उनको अपने हिसाब से वहां एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कल भी हमने इसी बात पर जोर दिया था प्रशांत, कि मरीज घंटों तक जो बीमार है बेहद बुरी, उनको तुरंत आवश्यकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो एम्बुलेंस में बाहर घंटों तक इंतजार करते रहते हैं और उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो ये खबर दिखाने के बाद ये सवाल भी जब पूछा गया था न्यूज 18 की ओर से तो मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने भी भरोसा दिया कि हम बेड जल्दी बढ़ाएंगे और अब ये दावे के बीच अब देखना होगा कि जल्द इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा और लोगों की तकलीफें कम होगी। देश भर में कोरोना का संकट विकराल होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरी हालत महाराष्ट्र में है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिनों के कर्फ्यू का आज पहला दिन है। राज्य में पुलिस सख्ती भी कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद लोग लापरवाही की भी सारी हदें पार करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर, सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नजारा आप देखिए। दहीसर चेक नाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस या दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं, इसका तलाशी किया जा रहा है। और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उसे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 140 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं है। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले, 144 आदमी खाएगा क्या करेगा बताइए, पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी खत्म मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों के सामने आने के बाद इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6,12,070 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना की वजह से मौत की रफ्तार भी 1.64% हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है,
जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 54 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना फैलने की वजह से मुंबई में 995 इमारतें सील हैं। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ी कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ गया। ऐसे खौफनाक हालात जल्द काबू में आ सके, इसके लिए पुलिस सख्ती भी बरत रही है और लोगों से पाबंदी का पालन करने की अपील भी कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के हालात सामने आए, वो सरकार की सारी सख्ती और पाबंदी को बेअसर साबित कर रही है। लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं और लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते, कोरोना पर काबू पाना नामुमकिन है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कोरोना से बिगड़ते हालात की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक आदमी अपने कोरोना पॉजिटिव पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दो दिन से भटकता रहा। अस्पताल में जगह ना होने की वजह से किसी भी अस्पताल में उसके पिता को भर्ती नहीं करवाया गया। ऐसे में वो अपने पिता का एम्बुलेंस में ही इलाज करवा रहा है। एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन दिया गया। अपने पिता का इलाज कराने के लिए वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी गया, लेकिन वहां भी किसी अस्पताल में उसको जगह नहीं मिली। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे, फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो। कहीं अस्पताल की लापरवाही तो कहीं खुद लोगों की। कोरोना से हो रही मौत के बीच आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती तस्वीर से साफ हो गया कि लोगों को कोरोना की यहां कोई चिंता नहीं। उगाड़ी त्योहार के ठीक एक दिन बाद दरअसल एक दूसरे पर गोबर फेंकने की यहां परंपरा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहना। लोग इतनी ज्यादा तादाद में थे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं थी। वहीं मकानों की छत पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। वहां मौजूद लोग भी मास्क के बगैर ही नजर आए। इस तस्वीर को देखकर साफ लग सकता है कि कैसे महामारी पर आखिर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ये हाल तब दिखा जब आंध्र प्रदेश में एक दिन में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही और मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। नाम इसे आस्था का भले ही दिया जा रहा है, लेकिन ये बेपरवाही और लापरवाही किस तरह से ये महामारी बढ़ती चली जा रही है।